दोस्तों स्वागत है आपका textbook.com पे। तो आज textbook ऑफिस देखने आ रहा है कोई फैकल्टी। गाइस कौन आ रहा है गेस करिए फटाफट से। तो गाइस जीएस की फैकल्टी है, तो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और गाइस नाम है दिव्या मैम। तो गाइस आज हमारे textbook ऑफिस में देखने आ रहे हैं दिव्या मैम, textbook ऑफिस को देखने आ रहे हैं दिव्या मैम। तो मैम कैसा फील कर रहे हो आप? हे एवरीवन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोचा था कि टेस्टबुक के ऑफिस विजिट करना। मैं इतने दिन से काम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब ये जगह देखना बहुत जरूरी था। जिस टेस्टबुक प्लेटफॉर्म ने इतने सारे बच्चों के, भारत में, इंडिया में इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन दिलवाया आपने टेस्ट सीरीज के जरिए, अब तो सुपर कोचिंग के जरिए भी, जहाँ पे आपके सारे फैकल्टीज हमें पढ़ाते हैं। तो अगर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कहाँ पे है, किस तरीके से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बस आज नितीश सर के साथ हम लोग हैं अभी इस जर्नी के ऊपर और आपको दिखाते हैं इसके आगे। Yes guys, तो stay tuned। अभी हम दिव्या मैम को होटल से पिक किया है, अभी देखेंगे कितना दूर है ऑफिस। लगता है ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, बट चलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। टेस्टबुक का पूरा ऑफिस दिखाएंगे, क्या क्या चीजें होती है, कंटेंट आप तक कैसे पहुंचता है, वीडियो कैसा पहुंचता है, और टेस्ट सीरीज जो इतना कम दाम में आपको टेस्टबुक प्रोवाइड करवाता है ना, वो कैसे प्रोसेस होता है। तो चलिए ट्यून इन, ठीक है, जुड़े रहिए, देखेंगे आगे की चीज। तो गाइज मैम दिल्ली से आ रहे हैं, तो दिल्ली से आई थिंक मैम फ्लाइट ही लिया होगा आपने, तो ऑब्वियसली ट्रेन का टाइम बहुत लग जाता है मुंबई तक पहुंचने के लिए। तो मैम कैसा आपका ब्रेक जर्नी रही थी सर हमारी? एक्चुअली दिल्ली से अपन पहुंचे थे वाराणसी, सोचे कि पहले मुंबई जा रहे ऑफिस जा रहे हैं, तो उससे पहले एक बार दर्शन करके जाएं। तो पहले वाराणसी पहुंचे, वहां पे हमने थोड़ी देर रुके एक दो दिन, और वहां से हमने फ्लाइट ली मुंबई के लिए, और फिर फाइनली हम अभी आ चुके हैं ऑफिस। यस राइट। तो एक्चुअली क्या रहता है ना, फैकल्टीज का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, क्लासेस रहती है बैक टू बैक, जो कोई बाहर निकलता तो सोचते हैं चलो यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर भी जाते हैं। तो टेस्टबुक ऑफिस तो एक मेन था, बाकी जगह भी क्या क्या गए हैं वो भी मैम से पूछेंगे एक बार। तो मैम ओवरऑल बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा? तो अभी आप मुंबई घूमे हो क्या थोड़ा बहुत, कि पहले ऑफिस जाना हो रहा है? नहीं अभी तो पहले ऑफिस ही जाना हो रहा है। इससे पहले मैंने मुंबई विजिट किया था, एक दो बार पहले किया था, लेकिन केसेस के रिगार्डिंग किया था, तब घूम नहीं पाई थी। लेकिन हाँ इसे मैंने प्लान करके आई थी कि इस बार ऑफिस भी जाएंगे और आप लोग की मदद से मुंबई घूम आपको डिलीवर करना है। आप सामने वालों को समझा रहे हो, आप कोर्ट में भी जाते हो, आप जज को चीजों को अपने समझाते हो, आप डिलीवर करते हो। आप वहाँ पे आपका काम क्या होता है, ड्राफ्टिंग करके आपको पहले से मिल जाती है चीजें, केसेस वगैरह सब कुछ। अब आपको वहाँ पे डिलीवर करना होता है कि आप जज को कैसे कन्विंस करते हो। सेम यहाँ पे भी है कि अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों को सामने कैसे कन्विंस करते हो, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, आप बच्चों को कैसे कन्विंस करते हो, कैसे समझा पाते हो अपनी बातों को, उन तक सही से पहुँचा पाते हो और वो समझ जाते हैं, बस सेम ही है दोनों। नहीं क्या बात है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मतलब एजुकेशन से इतना जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैम रीडिंग बहुत करना पड़ता है आई थिंक लॉयर्स को, मतलब हर एक चीज को वो आपको हर केस से पहले भी पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कितनी साल भी अपनी पढ़ाई कर रखी हो, बट स्टिल जितने भी आपके केसेस आएंगे उससे पहले भी आपको रेडी होना पड़ेगा। केसेस के जजमेंट देखने पड़ते हैं, चीजें समझनी पड़ती हैं, तब आप उसे पुट फॉरवर्ड करते हो आगे की तरफ, अच्छा कैसे चलते हैं। राइट राइट, मतलब कोई भी काम करना तो गाइस मेहनत लगता है हर चीज पे, देखो चाहे पढ़ाई करो। तो गाइस पढ़ाई करनी है तो मैम की तो डेली बेसिस पे क्लास भी होती है, तो उसको भी डेली आपको अटेंड करना है। अगर आपको भी ऐसे मल्टीटास्किंग बनना है ना, तो बस जुड़ना है मैम के साथ डेली क्लास में। तो मैम आप दिल्ली से आ रहे हो, ठीक है, तो फ्लाइट में आना एंड चेक इन करना, ठीक है, तो आप घर से भी निकले होंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब ट्रैवलिंग करते टाइम कोई स्टूडेंट्स कोई आपको मिला, कोई स्टूडेंट मिला होगा, कोई पेरेंट मिला हो? हाँ सर, ऐसे बहुत सारे मोमेंट हुए जब ऐसे तो दिल्ली में होता रहता है, लेकिन फिर जब अपन फ्लाइट पे आए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले। तो पहले वो लोग ना सर्च कर रहे थे, देख रहे थे पहले यूट्यूब के ऊपर कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि आगे और पीछे वाली सीट पे लोग देख रहे हैं। फिर बहुत देर बाद एक जन उठ के आते हैं, कहते हैं आप दिव्या मैम है ना, तो मैंने कहा नहीं, तो कहते मैम यही आप ही है, देखो यूट्यूब पे देखा कि मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। तो फिर वो लोग आए, तो उनके आसपास जितने सीट वाले लोग थे वो लोग भी आ गए, दो तीन ऐसे लोग भी थे जो नहीं जानते थे वो भी फोटो खिंचाने आ गए कि अच्छा हम भी आते। फिर अपन वाराणसी पहुंचे तो वहाँ पे बहुत मदद मिली, जब वहाँ पे घाट के पास अपन रूम कर रहे थे, आसपास जा रहे थे घूम रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल गए वहाँ पे, दिव्या मैम दिव्या मैम। फिर बहुत लोग के घर जाना हुआ जिनके घर आसपास थे, तो वहाँ से इनका खाना वाना हुआ, फैमिली से मिलना हुआ, बहुत लोग घर पर नहीं जा पाए। फिर अगेन वहाँ से वापस लौटते हुए जब अपने एयरपोर्ट के ऊपर थे, तो जो चेकिंग वाले जब अपने अंदर थे ना, जब चेकिंग हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले। फिर एक जो सिक्योरिटी थे वो कह रहे थे अरे आपको हम जानते हैं, देखा हुआ लग रहा है ना चेहरा इनका, तो कह रहे कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं आपसे और बहुत फैन है आपके। तो फिर वहाँ बातचीत हुई, फोटो वगैरह हुआ, फिर अपन अंदर आए फ्लाइट में। तो ये मोमेंट चलते हैं जहाँ पे बच्चे को प्यार मोहब्बत सम्मान ये सारी चीज़ें मिलती है, तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें।
मतलब हम लोग ऐसे बोर हो जाते हैं कभी कभी ट्रैवलिंग में, बट आई डोंट थिंक कि आप हुए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा इस चीज को कि लोग मिल जाते हैं काफी सारे लोग, तो बहुत डिस्कशन होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक बार फोटो क्लिक कर ली फिर आप चले गए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग जब मिले आपसे तो बातचीत होने लगती है, फोटोज लेते हैं, फिर बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को वो लोग शेयर करते हैं कि मैम बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे, आज सच में आप मिल गए, तो ये सारी चीजें हैं। चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ लॉयर, वो केस कोई आपको था ना कि वो केस से हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है, हमको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला, तो वो कब हुआ था मोमेंट आपके साथ? मैं ये बताती हूँ, मैं तो अपने लास्ट ईयर में थी कॉलेज के, और जब अपन इंटर्नशिप कर रहे होते हैं यानी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जूनियर लॉयर, तो आपके जो सीनियर एडवोकेट होते हैं बेसिकली वो केस को पुट ऑन करते हैं, आप चीजों को प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें सिचुएशन ये थी कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मुझे अच्छे लॉयर को मिला था, ऑब्वियसली बहुत सीनियर मोस्ट लॉयर थे, तो हमारा जो क्रिमिनल साइड था, क्रिमिनल बिल्डिंग था, वो थोड़ी दूरी पे था चेंबर से, लॉयर चेंबर से, तो मैं कोर्ट में थी और एक हमारा एक केस चढ़ चुका था, मोशन में लग चुका था केस, और वो चार मर्डर केस का केस था एक्चुअली, तो सर आ नहीं पाए थे, काफी लेट हो गया था, इससे पहले कि अगर सर नहीं आते तो केस डिसमिस हो जाता, तो मैंने सोचा मैं डेट ले लेती हूँ चल के, तो मैं आगे बढ़ी, और जिसमें अपने लास्ट ईयर में ही थी अपने कॉलेज के, तो मैं डेट लेने आगे बढ़ी, तो जज सब ने कहा कि मिस्टर पाटी मतलब पूरे ने बोला मिस्टर पाटी व्हाट वाज योर केस, तो मैंने बताया कि ये सारे केस, क्योंकि पहले सारे लोग जानते थे सबको एक दूसरे को, तो उन्होंने बोला कि आप केस आगे बढ़ाओ, मैं सुनना चाहता हूँ, तो मुझे लगा नॉलेज टेस्ट कर रहे होंगे कि चलो देखते हैं, तो केस मैंने पहले से पढ़ रखा था क्योंकि अपन को पढ़ना होता है पहले से, तो फिर मैंने वहाँ पे बताना शुरू किया कि क्या थे मोमेंट क्या नहीं थे, फिर उन्हें सेक्शंस पे सेक्शंस पूछने लगे, बताने लगे कि अच्छा कैसे हुआ क्या हुआ, तो मैंने कहा हाँ मतलब जो भी सिनेरियो वहाँ पे हुआ था, एक वेस्ट बंगाल का ही केस था वहाँ पे, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, फिर जब सारी बातें सुनने के बाद फिर मैंने भी फ्लो में चलते चलते, वो क्या होता है ना कि अपन आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं जाते जाते, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी भीड़ लग गई कोर्ट रूम के अंदर कि अरे हस्त त्रिपाठी मैम कर रही है, त्रिपाठी मैम कर रही है, तो वो ना एक छोटा सा भीड़ लोग ना मॉडल है मॉडल है ठीक है, तो वो सारे लोग आ गए कोर्ट रूम में, और जज ने वहाँ पे जजमेंट पास कर दिया, उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया। तो ये सब पहली बार हुआ था, मतलब ऐसा कि ऐसा कोई जूनियर लॉयर ने बेल का केस निकाला हो और वो भी चार मर्डर केस का एक साथ पे, तो पॉलिटिकल था ऑब्वियसली वो वाला मुद्दा जो था, तो उसमें जब बेल हो गया तो ये बात पूरी कोर्ट में फैल गई, कोर्ट के साथ साथ बाहर फैल गई कि मतलब जजमेंट अगर निकलवाना है, बेल अगर होगा, तो मतलब मैम ने क्या बेहतरीन वहाँ पे दलील रखी, क्या बेहतरीन वहाँ पे बोला, तो ये करते करते वो सारी चीज़ें फिर केसेस आने शुरू हो गए बहुत बेहतरीन तरीके से, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा नहीं अपन कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, कॉन्फिडेंस तो पहले से था लेकिन वो एक अलग चीज़ आ गई ना कि नहीं अपन, ऐसा नहीं कि केस डिले होगा, एक एक डेट के बाद दूसरी डेट मिलेगी, दूसरी डेट तीसरी डेट मिलेगी, नहीं हो सकता है, मतलब निकलवा सकते हैं अपन, तो जर्नी वैसी रही आगे की तरफ। तो ये लॉयर वाला मुझे क्यों स्ट्राइक करा, क्योंकि मैंने जैसे बुक पढ़ी है एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ गांधी जी, तो उनका भी पहला केस था वो मतलब इतना मतलब मिल स्टार्ट करना इज डिफिकल्ट, तो वो उन्होंने वो किसी के अंडर करते करते उन्होंने नहीं, मैंने इसे कई लोगों को देखा है ना, जैसे कई लोग जब कोर्ट में जाते हैं उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, ठीक है, वो बोलने नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई शेर बैठा है तो खा जाएगा, अगर कुछ बोल दोगे तो खा जाएगा आगे सामने से। इनफैक्ट ही गांधी जी के साथ भी हो, गांधी जी पता क्या गए थे केस में लड़ने के लिए, और जैसे उनको बोला गया बोलो, वो अपना फाइल फेंका और भाग गए, सारे लोग फिर देखने लगते अच्छा ये आज आया है, आज ये बताने आया, देखो इसको क्या पेश करने वाला है, और क्या वो बातें बहुत जगह होती है, फिर आसपास कोर्ट की गलियारों में इधर उधर बहुत बातें होती है, तो जनरली लोगों को ये लगता था ना कि जब आप गए हो तो कहते थे अरे नहीं तो मैम तो मॉडल है ठीक है, ऐसा वैसा रहता था ना, तो जब वो जजमेंट जब मिल गया ना तो लोगों ने कहा यार क्या बेहतरीन नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, हाँ कॉन्फिडेंस, देखिए नॉलेज ऑलमोस्ट सबके पास है, सब पढ़ के आए हैं, सबके पास नॉलेज है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, और आप चीजों को कैसे डिलीवर कर रहे हो, सामने वाले को कैसे कन्विंस कर रहे हो कि नहीं आप जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो, उसको थ्योरी के साथ, अब जैसे केसेस में क्या होते हैं कि आप जितने भी देश भर में अलग अलग देश भर में आपके केसेस हुए हैं आप उसको देखते हो, वहां से आप जजमेंट रेफरेंस निकालते हो कि अगर कोई ऐसा सिमिलर केस किसी और कंट्री में हुआ है और क्या वहां की कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था उस टाइम पे, तो अगर वो जो जजमेंट दिया था तो अगर वो दे सकता तो हमारी कोर्ट क्यों नहीं दे सकती, हाँ तो उसे हम रेफरेंस केस कहते हैं, तो आप जितना पढ़ोगे आपके लिए उतनी आसानी होती है। तो चलिए मैम चलते हैं ऑफिस की ओर, कैसा लगा ऑफिस देखे, पर मैं बाकी भी सब ऑफिस देखे होंगे, नहीं नहीं आप जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं एकदम फ्रैंक वे में बता रही हूँ, कुछ भी मिला के नहीं, बहुत बेहतर है, बहुत 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 अच्छा है, मतलब अगर मन करे ना कभी स्विच करेगा तो मत करना, अगर कभी मन कर जाए ना कि कोई सैलरी अच्छी ऑफर करा चली जाए मत करना, जिंदगी में सुकून बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेंटल पीस, टेक्स्टबुक बहुत अच्छा है।
जाइए मैम, स्वागत है आपका testbook.com पर। तो गाइज फाइनली हम लोग एंट्री लेने वाले हैं टेस्टबुक में, तो देखते हैं पहले हमको कौन सा टीम मिलने वाला है, ठीक है, और सारा प्रोसेस कैसे जाता है यूट्यूब पे हम लोग लाइव कैसे जाते हैं। टीम से हम लोग मिलने वाले हैं, फिर आगे आप लोगों को भी दिखाएगी कि हमारी टीम यहाँ पे कैसे काम करती है, किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज के साथ आपको इतने सालों से टेस्टबुक का सिलेक्शन देते हुए आई है। तो आज सारी टीम को दिखाएंगे और पीछे का प्रोसेस कैसा चलता है ये भी आपको लोग बताने वाले, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मैम, स्वागत है आपका testbook.com पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटेंट टीम, ठीक है, सुपर कोचिंग का टीम, ठीक है, एंड बीडी टीम। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो ये हमारा एंट्रेंस एंड तो मैम यहाँ पर हमारा थोड़ा कंटेंट का एंड सुपर कोचिंग का टीम एंड साथ में सिनेमेटोग्राफर जो अच्छा, मतलब सारी टीम जो है कंटेंट वाली वो यहाँ बैठती है और वो क्लास लगाने वाली टीम हमारी वहाँ से। हाँ, कुछ डिवाइडेड है, कुछ कंटेंट वाले यहाँ बैठे जैसे इंजीनियरिंग वाला सारा यहाँ बैठते हैं, ठीक है, बाकी कंटेंट वहाँ पर है, क्योंकि इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, एसएससी है, बैंकिंग है, मतलब मल्टीपल कैटेगरीज वगैरह सारी जो कैटेगरीज है हमारे। और वो हमारा पार्ट हो गया सिनेमेटोग्राफर जो कि पूरा लाइव ढंग से जाए, आपको पता ही है कि लाइव जाने के लिए कितना कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज स्मूथली प्रोसेस हो वहाँ पे सारा मैनेज करते हैं वो। तो एक बार हम स्टूडियो देख लेते हैं, स्टूडियो को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली जाती कैसे हैं लाइव हम लोग सीधा स्टूडियो की तरफ चलते हैं। हाँ सर। तो पहला नंबर एक स्टूडियो पर जाएंगे हम लोग, तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या देखने को मिलता है। यस मैम, तो ये हमारा स्टूडियो, तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा इस स्टूडियो का, बट टेस्टबुक का स्टूडियो ये है, ठीक है। तो मैम क्यों ना एक कुछ बता दिया, सही तरीके से लेकिन बनाया गया ना प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे एक सेटिंग की गई है, सब एस्बेस्टस एंड ऑल सब कुछ लगा ताकि वॉइस का अच्छा, मतलब जब मुझे बताना है उसी टाइम पे ये सारे सिस्टम करके रखना था क्या, मैं कुछ घुमा भी ना पाऊं। नहीं, एक बार चला के देखते हैं इसको। ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा है स्टूडियो के अंदर। यस मैम। ग्रेट। तो कुछ लिखना चाहते हैं आप तो यू कैन, सॉरी, अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, आपकी आपकी पिक्चर है, किसी की पिक्चर है। किसी भी क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, फिर मैं 90 मार्क्स लेके आ चुकी थी, किसी भी तरीके पापा का डर था। चलिए ऐसा तो नहीं है वैसे, वो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रिक से अगर आप चाहते हैं एग्जाम निकालना तो कभी नहीं निकलेगा आप सर, वो ट्रिक होता है, अरे सर प्रोसेस होता है, सर ट्रिक होता है, प्रोसेस तो मैं मान गया, बट हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कोई नहीं, फिर भी करेंगे अपन इसको। छोड़ो, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहता मैं, तो इसलिए मैम ये हमारा स्टूडियो है, बहुत एंड यहाँ पर आपको एक कैमरा सेटअप मिल जाता है, एक आप खुद अपने आप को देख पाए कि आपका कैसा प्रोसेस चल रहा है। हाँ, तो यस मैम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लोग को एक्चुअल में जो लाइव चल रहा है वो एक्यूरेट वे में चल रहा है, कोई यहाँ से बफरिंग तो नहीं आ रहा है, जैसे बच्चे कभी कहते हैं ना कि बफरिंग हो रहा है, मैम बफरिंग हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, अच्छा बफरिंग यहाँ से अगर स्टेबल है तो वहाँ पर बफरिंग नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के अलग अलग आउटस्कर्ट पे बच्चे रहते हैं, कई मतलब गाँव में भी कई बच्चे पढ़ रहे थे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन इतना स्टेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्लियरली मैंशन कर पाए कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम हेयर, तो वो अपना चेक करके फिर कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टूडियो। So we are going towards content side. तो यहाँ पर हमारा पूरा content team बैठा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ी team है सर, सारे बिल्कुल concentration के साथ काम कर रहे हैं, और let's not disturb them, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैम हमारे वन ऑफ द हेड ऑफ कंटेंट टीम मैम, इनसे आपको मिलाना चाहूंगा मैम। ओके, तो यस, हेलो, हेलो मैम, कैसे हो? बड़े मैम आप कैसे हो? यूट्यूब पे ही देखा था। हेलो, तो आगे चलते हैं, तो हम देख सकते हैं आप नंबर ऑफ मतलब कितने सारे लोग यहाँ लगे हैं, मतलब एम्प्लॉइज फोकस टुवर्ड, मतलब जितना बच्चों को दिखता है ना कि बस टेस्ट सीरीज इतनी मिल गई हमें, यहाँ पे टीचर ने हमें पढ़ा दिया सुपर कोचिंग पैकेज, उसके पीछे इतनी बड़ी टीम है जो काम कर रही है लगातार बैठ के, तो वही है सभी पूरा फोकस है, कुछ नई टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं, क्या एक कंटेंट में हमारा चेंज हुआ है, क्या हमारा क्या हुआ ना, क्या हमारा नया एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग सारे चेंजेस जो भी है वो टाइम टू टाइम अपडेट रहे वेबसाइट पर, तो उसके लिए सारी टीम वर्क कर रही है।
यस। बाकी यहाँ पर आपको मीटिंग एरियाज मिल जाएंगे, मतलब आपको ना कम से कम यहाँ मतलब दो कैबिन के बाद आपको मीटिंग एरियाज मिल जाएंगे, ताकि मतलब कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर प्लान कर रहे हैं तो फोकस्ड वे में सभी अपने अपने व्यूज दें। तो चलिए अब फर्स्ट फ्लोर चलते हैं, दो फ्लोर हैं टेस्ट बुक के, एक हम देख चुके हैं, अब दूसरे फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली में। तो ये यहाँ पर भी लोग काम करते हैं तो आराम से बैठ के, आपको जैसे भी काम करना है, ऐसा नहीं है वो चेयर में बैठ के काम करना पसंद है तो आप चेयर में करें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है कंफर्टेबल अपने जोन में बैठ के अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये पेंट्री एरिया, अरे कैमरामैन दिखाई है तो हमारे पेंट्री एरिया, हमारे पास चार है आई थिंक, चार वेंडिंग मशीन है, जो भी कुछ खाना चाहता है वो इजीली पे करके खा सकता है। यस सर, तालियां बजाओ तो चलते हैं। तो हम यहाँ आ चुके हैं हम लोग, ये हमारी मार्केटिंग टीम सारी की सारी। हाँ, और ये वो टीम है जो हमारी क्लास लगाती है, ये यूट्यूब टीम है हमारी। हाँ एंड यस मार्केटिंग टीम इस साइड है ना, ये कंटेंट मार्केटिंग। चलो यहाँ पर चलते हैं। हम कंटेंट मार्केटिंग जैसे हम ब्लॉग्स वगैरह होते हैं ना, हम सर्च करते हैं कि व्हाट इज एग्जांपल ऑफ सक्सेस एग्जांपल, तो जैसे आता है ना कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स वगैरह वो सारा कंटेंट मार्केटिंग देखते हैं, ठीक है, जो भी ब्लॉग्स होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है अगर, तो जैसे एक वीडियो फॉर्म हो गया, एक टेस्ट सीरीज हो गया, और एक कंटेंट मार्केटिंग है जहाँ पर आपको जो भी कुछ रीड करना है उसके रिगार्डिंग आपको देख सकते हैं वो चीज़। तो यहाँ पर पूरा एक मतलब सेट ऑफ टीम्स देख सकते हैं, और पीछे वहाँ पर हमारी एडिटर्स टीम बैठी है जो एडिटिंग करती है हमारी वीडियोस को। Hi ma'am, how are you? Hello sir, good. Welcome how are you? Welcome to Testbook family first of all. Thank you so much sir. Thank you sir. हाँ सर, बहुत सुना था और बहुत जिज्ञासा थी इस चीज़ की, जाओ एक बार देखो, काफ़ी एक्साइटमेंट था। तो बस अभी घूमा भी सारी टीम से, सारे मुलाकात हुई टीममेट से मिली अभी जस्ट। मुंबई का हवा अच्छा लगा, मुंबई से सी वाला है। अरे वो बिल्कुल डिफरेंट है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा है और दिल्ली में काफ़ी ठंड है, और यहाँ पे आते ही बिल्कुल कम्प्लीट वेदर जो है पूरा चेंज हो गया यहाँ पे आते ही। थैंक यू सो मच सर। तो मैम ये था हमारा ऑफिस, तो कैसा लगा आपको ऑफिस देख के, इतने सारे टीम्स, इतने सारे लोग? बहुत बेहतरीन लगा, काफ़ी वक्त से मन था कि जिस टीम के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे पीछे इतनी सारी टीम काम कर रही है लगातार क्लासेस लगाने से लेके एक प्रॉपर एप्लीकेशन तैयार करने के पीछे, जहाँ पर सुपर टीचर्स भी अभी अवेलेबल है आप लोग के लिए पेड बैचेस में, टेस्ट सीरीज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो यहाँ पे जो पूरी टीम को देखा, कंटेंट टीम बैठी है, एजुकेटर्स बैठे हैं जो यहाँ पर दिन रात तैयार कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं डिलीवर करने के लिए, स्टूडियो में सारा काम हो रहा है, अच्छा लगा। अभी तो क्लासेस का वक्त हो रहा है, तो फिर मिलेंगे आपसे।